अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका, योर डाइट मेंटर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो उसे निकालने की जो प्रोसेस है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो गई। आजकल बहुत डाइटिशियंस हैं या फिर यूट्यूब पे एक दिखाते हैं कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन वाटर बनाना सिखा रहे हैं। वो लोग एक जग लेंगे, उसमें कुकुम्बर, पेपरमेंट और भी कुछ हर्ब्स डालेंगे, कुछ वेजीज डालेंगे, कहेंगे उसको ओवरनाइट डिप करके रखिए और सुबह आप इसको पीजिए तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपका वाटर का इंटेक है वही आपने ज़्यादा रखना है। अगर वो सफिशेंट अमाउंट में होगा तो आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे, वो अपने आप ही वॉश आउट हो जाएंगे। आपकी जो किडनी है वो बॉडी, उसका काम ही यही है कि टॉक्सिन्स को निकालना। अगर किडनी को प्रॉपर वाटर मिलेगा तो वो अपना काम सही से करेगी। अगर आप पानी का इंटेक ही कम रखेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आप कम से कम एक दिन में 8 से 9 गिलास 10 गिलास अपना वाटर इंटेक रखिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके वाटर इंटेक लेने से वैसे ही आपको नहीं होंगी। और रही बात अजवाइन वाटर, सिनेमन वाटर, मेथी वाटर, जीरा वाटर, तो ये सब भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दिन में आप इनको 1 या 2 बार लेते हैं। ये वेट लूज़ में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जो वाटर इंटेक है वो आप पूरे दिन कर सकते हैं, जितना मर्जी अमाउंट में कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम देखना या खाली पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि इन चीज़ों का भी यूज़ कीजिए सुबह खाली पेट, और वाटर आपने पूरे दिन में पीना है तो जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, टॉक्सिन्स इकट्ठे ही ना हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।